Бетон их нүцгэж байгаа. Үнгээс сав бадна гараа үйца. निरंतर सुरक्षा सुनिश्चित करने आवास के प्रथम के संकल्प के साथ इसे सभी बहादुर जवानों का और अधिकारियों का भी मैं हमें अभिनंदन करता हूँ। मौका है कि अभियान
मिला है और टोटल गुजरात में मिलेगी। अगर सर साइकिल रैली भी लेडीज कर सकती है, बाइक रैली भी लेडीज कर सकती है, मनाही किसी के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हर आदमी का अलग अलग टेस्ट होता है। हमारे महकमे में महिलाओं को इतना आगे बढ़ाया गया है कि बताया नहीं जा सकता। हमारे मोदी जी श्रीमान हमारे मोदी जी ने बोला था कि महिलाओं को आगे बढ़ाइए, शिक्षा दीजिए, देश विदेश में भेजिए। अब आपके समक्ष केंद्रीय रिजर्व पुलिस के महिला पाइप बैंड द्वारा प्रस्तुति की जाएगी। महिला पाइप बैंड की स्थापना वर्ष 2012 में शौर्य दिवस के दिन हुई थी।
For the Kashmiri women also and make a start here, right? Thank you. अब तो कितना मतलब हिंदी में ले लो बाइक रैली के हवाले से जाना चाहिए बाइक रैली का सर सर ये नोवे है कंपनी सर लास्ट अभी दिया आप शेयर कर लीजिएगा उसी के साथ सर भी है एजेंसी भी है सर लास्ट लास्ट सर टेल अस समथिंग अबाउट दिस टुडे पहले मैं हिंदी में बता देता हूँ उसकी बात जी जाना चाहेंगे आज जो बाइक रैली हुई क्या उद्देश्य है यह बाइक रैली CRPF की ऑल वुमेन मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन 2023 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था यह बाइक रैली महिला सशक्तिकरण का एक जीता जागता उदाहरण है इसके तहत हम एक मैसेज एक जनरल आवाम को देना चाहते हैं लड़कियों को वुमेन अचीवर्स को और एक आम समाज के अंदर जो लड़कियां उन्हें देना चाहते हैं कि उनका समय है उनके सशक्तिकरण के लिए एक मैसेज देने के लिए ये वुमेन रैली को आज हमने यहाँ से फ्लैग ऑफ किया है तो हम देख रहे हैं जो CRPF में महिलाएं हैं इनकी ड्यूटी भी दूर दराज इलाकों में रहती है और घर से दूर रहते हैं आप मानते हैं कि इनका मानसिक दबाव भी जो इस तरह के आयोजन से इस तरह के एक्टिविटीज जो होती हैं कम करने का एक जरिया भी बन सकता है हमारी महिलाएं हमारे जो पुरुष पर्सनल हैं उन सब के साथ बढ़ चढ़ कर हर प्रोग्राम में हिस्सा लेती हैं चाहे वो हमारे ऑपरेशंस हों पेट्रोलिंग हो रोड ओपनिंग पार्टीज़ हों हर जगह पर हमारी वुमेन महिलाएं हमारी साथी पुरुषों के साथ कंधा से कंधे मिलाकर कार्य करती हैं ये सारे प्रोग्राम करने का उद्देश्य एक उनको मेन लाइन में CRPF की मेन लाइन पुलिसिंग की मेन लाइन में लाना तो यही है साथ ही एक जो उनका अपना आत्मसम्मान और आत्मविश्वास है उसे बढ़ाने का भी उद्देश्य है जी बिल्कुल हमारे एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन में भी ये महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं आपके जेल की सुरक्षा व्यवस्था जो भी पिछले हफ्ते CISF को सौंपी गई है उसके अंदर भी हमारी महिला कंपोनेंट थे तो महिलाएं हमारी हर फील्ड के अंदर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सर अगर श्रीनगर की बात करें तो लॉ ऑर्डर या मिलिटेंसी की अभी कितनी बेहतर सिचुएशन है श्रीनगर में आप आज लाल चौक में खड़े हैं लाल चौक के अंदर इतनी भीड़ अपने आसपास देख रहे हैं कहाँ है मिलिटेंसी इससे अच्छा शांतिप्रिय माहौल तो शायद कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा हमें थैंक यू